कहानी नंबर 198। सब अच्छा होगा। एक बार एक दिन एक राजा और मंत्री दोनों घूमने जा रहे थे। मार्ग में चलते चलते दोनों थक गए। वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिए दोनों बैठ गए। राजा पानी की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहा था, तभी वह अचानक लहलहाते हुए गन्नों को देखकर स्वयं वहां गया और गन्ना तोड़कर लाया, चाकू से छीलने लगा और असावधानी के कारण राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री ने शीघ्र उस पर पट्टी बांध दी। उंगली की असह्य पीड़ा से पीड़ित राजा बोला, मंत्री बहुत बुरा हुआ, मेरी तो एक उंगली कट गई। मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, राजन आप दुख ना करें, जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है, आपकी उंगली कटी है यह भी अच्छा ही हुआ। यह सुनते ही राजा के हृदय में क्रोधाग्नि भभक उठी। आंखों को लाल करके वह बोला, कृतघ्नि मेरी तो उंगली कटी है और तू कहता है बहुत अच्छा हुआ, कहाँ गई तेरी बुद्धि, मैं ऐसे क्रूर हृदय वाले व्यक्तियों को रखना नहीं चाहता, चले जाओ अपने घर। राजा की यह डांट सुनकर मंत्री अपने घर चला गया। राजा को शिकार करने की आदत थी, वह इसी जंगल में शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। पहाड़ी से निकलकर तभी अचानक वहां डाकू आ गए। डाकुओं ने देवी की बलि चढ़ाने के लिए राजा को पकड़ लिया। देवी के मंदिर में गए और निरीक्षण करने लगे कि कहीं यह राजा शतांग तो नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से सभी अंगों का निरीक्षण करते करते राजा की कटी हुई उंगली पर सहसा पहुंची। जिसके अंग और उपांग कटे होते हैं उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती, इसी कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। राजा खुश हुआ और अपने राजभवन में पहुंचा। वह बैठा बैठा चिंतन करने लगा, मंत्री तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने पहले ही मुझे कह दिया था जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो आज मुझे यमराज के घर जाना पड़ता, मैं किसी भी स्थिति में जीवित नहीं बच सकता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे विचक्षण मंत्री को निकाल दिया। राजा ने मंत्री को पता लगाकर उसको वापस राजभवन में बुलवा लिया। मंत्री ने कहा, राजन मैंने पहले ही आपसे कहा था जो होता है वह अच्छा ही होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, आपके लिए भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी अच्छा हुआ। इस पर राजा कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? इस पर मंत्री ने जवाब दिया, राजन मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता, आप अगर गुस्सा होकर मुझे नहीं निकालते और मैं आपके साथ होता तो मुझे वहां पर अवश्य मरना पड़ता, क्योंकि मैं तो शतांग नहीं था, अतः मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और पुनः मंत्री पद पर उसे नियुक्त कर अपने आप को कृतकृत्य समझने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को निराश या दुखी नहीं होना चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है वह सब अच्छा ही होता है। हमें इसी तथ्य पर अटल रहकर अपने जीवन में समता रखनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस संदर्भ में, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य सभी लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने इस वीडियो को देखा और अपना कीमती समय हमें दिया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।